बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। ऑल फॉर यू कुकिंग एंड ब्लॉग के किचन में खुश आमदीद। आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है गर्मियों के हवाले से। जब हमारा कुछ भी खाने का सालन खाने का दिल नहीं कर रहा होता, क्योंकि चिकनाई देख के ही दिल घबरा रहा होता है, तो हल्का फुल्का सा कुछ चाहिए होता है दोपहर को, तो उसके लिए जी मैं बना रही हूँ। आज हमारे घर में बहुत पसंद किया जाता है दही पकौड़ा, तो बहुत ही आसान रेसिपी है। वीडियो को बस एंड तक आपने देखना है, लाइक कमेंट शेयर करना है, नए आने वाले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको मिले। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक आपने देखना है, लाइक का बटन भी लाजमी दबा देना और अगर पसंद आई तो शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन में ली है एक दरमियाने साइज़ की प्याज, जिसको मैंने काट लिया है। यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी छान कर एक कप बेसन। बेसन जो है वो ज़रूर छान लिया करें, जी इसको हम छान लेते हैं। बेसन हमने छान लिया है और यहाँ पर मैं मसाले शामिल करूँगी। धनिया है, कुटा हुआ धनिया है एक खाने का चम्मच, और यहाँ पर है हमारे पास गरम मसाला पाउडर आधी चाय के चम्मच, अजवाइन है आधी चाय के चम्मच से कम, लाल मिर्च का पाउडर आधी चाय के चम्मच से कम, आप अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हैं, और ज़ीरा है आधी चाय के चम्मच, हल्दी थोड़ी सी कलर के लिए, कसूरी मेथी आधी चाय के चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च जो है ये है एक चाय का चम्मच, और नमक हसबी ज़रूरत ले ले, मैंने एक चाय का चम्मच लिया है। मैं डाल रही हूँ इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम चीज़ें डालने के बाद थोड़ा सा पानी डालकर हम इसका पेस्ट तैयार करते हैं। देखें, एक नॉर्मल सा पेस्ट हमने तैयार कर लिया जैसे पकौड़ों का करते हैं, तो अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो देखें, मैं छोटे छोटे पकौड़े डालूँगी, ज़्यादा बड़े बड़े मैंने पकौड़े नहीं डालने हैं, ठीक है। छोटे छोटे से पकौड़े डाल लेते हैं हम इसके। तो इसी तरह छोटे छोटे पकोड़े जो हैं वो सारे फ्राई कर लें आप। ये देखो, ये हो गए हैं फ्राई, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। एक हाथ से काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसी तरह मैं तमाम पकोड़े जो है वो कर लेती हूँ फ्राई, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तमाम पकोड़े बन गए हैं, तो कुछ देर के लिए हम इसको पानी में डाल देते हैं। थोड़े से पानी में अच्छा सा डिप कर देंगे इसको, इसको हम साइड पर कर देते हैं। और यहाँ पर लेते हैं एक बर्तन, इसमें मैंने एक अदद प्याज काट के डाल ली है, एक बड़ा बर्तन मैंने लिया है। इसमें हम साथ ही डालेंगे एक अदद बड़े साइज़ की टमाटर कटी हुई, बारीक काट ली है मैंने, पुदीना है थोड़ा सा और हरी मिर्चें हैं। आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी मर्ज़ी की क्वान्टिटी से ये चीज़ें ले सकते हैं, ठीक है। ये मैंने डाल दिए। आलू बॉईल करने के बाद कटिंग कर ली है मैंने, और ये मैं इसमें डाल रही हूँ। मेरे बच्चों को आलू कुछ ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसमें थोड़े से ज़्यादा क्वांटिटी से डालूँ, आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने मसालों में ली है काली मिर्च आधी चाय के चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधी चाय की चम्मच, और यहाँ पर धनिया पाउडर मैंने लिया है आधी चाय की चम्मच, थोड़ी सी लाल मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा नमक, चाट मसाला एक चाय के चम्मच, नमक मिर्च और चाट मसाला आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। ये तमाम चीज़ें इसमें डालने के बाद मैं इसमें दही मिक्स करूँगी। दही डाल दी मैंने, तकरीबन आधा किलो दही मैंने इसमें डाली है। दही भी आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, कम ज़्यादा जितनी आपको अच्छी लगे। इसको हम मिक्स कर देते हैं। और भी कोई सब्ज़ी आप इसमें मिलाना चाहते हैं जैसे खीरे या बंद गोभी, शिमला मिर्च, तो आप मिला सकते हैं इसमें काट के कच्ची, ठीक है। तो ये देखिए मिक्स कर दिया अच्छा सा। अब जो भीग चुके हैं पकोड़े हमारे, इसको हल्का सा हम निचोड़ के इसमें शामिल कर देते हैं। बहुत अच्छा सा लंच जो है, लंच के लिए सालन जो है, सालन की जगह ये पकोड़ा दही जो है वो तैयार है। बहुत ही मज़ा आएगा आपको, सुकून हो जाएगा एक आपके मैदे को भी आपको भी। तो बहुत पसंद करते हैं हमारे घर में, गर्मियों में ये अक्सर बनाए जाते हैं, क्योंकि सालन जो है वो कम ही खाया जाता है, तो मैं अक्सर ये बनाती हूँ। तो अगर आपको भी ये रेसिपी पसंद आई, आपने ट्राई करना है, पहले रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर ज़रूर मुझे कमेंट करके आपने बताना है, लाइक का बटन आपने फिर लाजमी दबा देना है, नए आने वाले प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें
ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ये है जी मेरी आज की रेसिपी। आपको पसंद आई तो फिर लाइक कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं, शेयर करें। अगर ज़्यादा अच्छी लगी है तो आइडिया पसंद आया तो शेयर लाजमी कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।